हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। हाँ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पनीर की रेसिपी। मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है। इसको इस तरह से मैंने एक प्लेट में निकाल करके बारीक बारीक टुकड़ों में इसको काटना है। इस तरह से मैंने छोटे छोटे टुकड़े इसके बनाए, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको कट कर लेना है। इस तरह से कट करना बहुत आसान है। आप लाइए मार्केट से, इस तरह से कट करिए, कट करके आप बनाइए घर में। एक कढ़ाई लीजिए, उसमें थोड़ा सा तेल डालना है। थोड़ा सा तेल अपने अंदाज से डालना, जो आपको जितना तेल खाने में लगे उसके हिसाब से आपको तेल लेना है। तेल लेने के बाद मैंने इसमें 2 चम्मच घी ऐड किया है। घी से इनकी स्वाद और ज़्यादा अच्छी होती है। आप भी इसको घी में भी बना सकते हैं, तेल में भी बना सकते हैं। मैंने ये घी में डालकर और तेल में डाल करके पनीर को फ्राई करना है। इस तरह से मैंने पनीर को डाल करके फ्राई करना चलाते हुए, देखिए ये कितना अच्छा सुनहरा कलर इसका हो गया है। इस तरह से रेड करना है इसको, चलाते हुए पनीर को पकाते रहना। जब हमारा पनीर पक जाए तो उसमें बड़ी इलायची, दालचीनी, जीरा, छोटी इलायची डाल करके इसको पकाना है। जब ये पक जाए तो इसमें 2 कटे हुए प्याज डालना है, बारीक टुकड़ों में काट करके। छोटे छोटे प्याज के टुकड़े कर लेना है। उसके बाद इसको डाल करके पकाते रहना। फिर मैंने इसमें फिर मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है। इसको भी मैंने अच्छे से भून के पका लिया है। फिर इसमें मैंने 2 टमाटर पीस करके डाली है। इस तरह से जब टमाटर हमारा लाल हो जाए, तेल छोड़ दे कढ़ाई से, देखिए इस तरह से पूरा पक गया, तेल छोड़ दिया। फिर मैंने इसमें दही लिया है। दही में 1 चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला सबको डाल करके दही के अंदर मिक्स कर लेना है। इस तरह मिलाते हुए मिक्स करना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, दही में सेट हो जाए, तो फिर इसको कढ़ाई में डाल करके पकाना है। फिर से इसको कढ़ाई में डाल करके अच्छी तरह पका लेना है। इसका भी जब तेल चलाते हुए छोड़ दे, इस तरह से खूब चलाते हुए पका लेना है। जबकि दही हमारा और मसाला दोनों अच्छे से पक जाए, उसमें नमक डालना है स्वाद अनुसार। फिर मैंने इसमें 1 चम्मच कस्तूरी मेथी डाला है। कस्तूरी मेथी डालने के बाद मैंने इसमें पके हुए पनीर को जो फ्राई करके रखा था उसको डाल करके इस तरह पकाना है। 5 मिनट इस तरह चलाते हुए इसको पका लेना है। फिर मैंने इसमें 3 मिर्ची डाली है, हरी मिर्ची, अक्खा बीच से काट करके आपको हरी मिर्ची डालना है इसमें। इस तरह से मैंने, जब ये हरी मिर्ची थोड़ी सॉफ्ट हो गई तो फिर मैंने इसमें धनिया पत्ती डाला है बारीक टुकड़ों में काट कर। धनिया की पत्ती को इस तरह से आप कट करके फिर 1-2 मिनट तक इसको पकाना है। जब ये पक जाए तो आप इंजॉय करिए, खाइए पिए, इंजॉय करिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे कमेंट करिए, बना करके खाइए और कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताइए। बाय बाय।